अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद में आप सभी का आखिर मकदम है। अब किसी चीज़ पर तबसरा नहीं करना है। अब रोज़ाना सिर्फ खबरें ही देखने सुनने लगे तो शायद वक्त कम पड़ जाए। कल आपने किस तरह हिजाब को लेकर मुस्लिम लड़कियों को इम्तिहानात से रोका गया, ना सिर्फ रोका गया बल्कि उन्हें पाकिस्तानी और देशद्रोही तक कहा गया। आज एक और नई खबर की तरफ ले चलते हैं। अलीगढ़ में कुछ मुस्लिम नौजवानों को लेकर अखिल भारतीय हिंदू सेना का मुखिया सचिन वर्मा मंदिर में हनुमान चालीसा का जाप करता है और तमाम मुसलमानों को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वीडियो बनाकर इसे वायरल भी करता है। वीडियो में खुद सचिन वर्मा ये भी कहता है कि मुसलमानों की जिहादी मानसिकता को बदलने के लिए मंदिर में इन्हें ले जाकर हनुमान चालीसा पढ़वा रहा हूँ। इत्तला के मुताबिक कुछ मुस्लिम नौजवानों को बेला फुसला कर मंदिर में ले गया और वीडियो बनाया ताकि आने वाले चुनाव में इसका फायदा वो खुद ले सके। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सचिन वर्मा पर मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की जांच करने वाले अफसर राघवेंद्र सिंह ने मीडिया को बताई। प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान साहब ने भी इस तरह की सचिन वर्मा की हरकत पर एतराज दर्ज करते हुए कि इस तरह जबरन मुसलमानों को मंदिर में ले जाकर हनुमान चालीसा वंदे मातरम या कुछ और नारे लगवाए जा रहे हैं तो संविधान के खिलाफ है। खैर, अब इस तरह की तस्वीरें वीडियो अब आम बनती जा रही हैं। कुछ लोगों को इस तरह से डरा धमका कर हनुमान चालीसा पढ़ाया जा रहा है तो कुछ जगहों पर जबरन नारेबाजी करने के लिए कहा भी जा रहा है और वीडियोज वायरल भी किए जा रहे हैं। अब इस तरह की खबरें रोजमर्रा का हिस्सा बनती जा रही। आखिर अब ये मामले कब रुकेंगे, ऐसे सवाल पूछते पूछते थक गए। पर वाकई और वारदातें बजाय कम होने के बढ़ ही रहे। आखिर इस तरह की वारदातों के जरिए एक समाज के दिल में डर खौफ पैदा करना इनका मकसद होता है और अगर हकीकत में देखा जाए तो डर खौफ पैदा करने में वो लोग कामयाब भी हो चुके हैं। संविधान, लोकतंत्र, इंतजामिया, कानून, न्याय व्यवस्था महज रस्म बनते जा रहे हैं क्या? ऐसे सवाल जहनों में आना भी लाजिम है। पर कर क्या सकते हैं? अब जब हुकूमत हासिल करने का यही तरीका रह गया हो और हुकूमतों को इन्हीं रास्तों से अख्तियार भी किया जा रहा हो तो आखिर क्या कर सकते हैं? मुसलमानों पर तो कुछ बोलना ही बेकार हो गया। क्या रोज रोज वही बातें और जुमले इस्तेमाल करेंगे? और जो कौम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहती उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? सिवाय हमने एक दूसरे को जिम्मेदार बनाने के और क्या सीखा है और कर भी क्या रहे? रोजाना सुबह से शाम तक एक अरसे से वही तस्वीरें। बच्चे खेल कूद में मसरूफ, बड़े अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों में मसरूफ, औरतें टीवी सीरियल, मोबाइल या बाजारों की जीनत बनने में मसरूफ। नौजवान नस्ल को अपना फ्यूचर बनाना है, लड़कियां अपने कदमों पर खड़ा होना चाहती है, एक हिस्सा नशे में मुलविस है, उलमा मसलकों में मसरूफ है। किसको क्या पड़ी है, वही बेडंगी रफ्तार की तरह सब चल रहे। कुछ अपने आप को दीनदार समझ रहे हैं तो वो भी अपनी बातों से मुतमईन है। बस इन्हीं के इर्द गिर्द आज के मुसलमानों की जिंदगी गुजर रही है। शायद आने वाले दिन इससे खतरनाक हो और आजमाइश भी सख्त हो, पर उम्मत का तकरीबन हिस्सा जानकर भी जब अनजान बनता नजर आ रहा है तो क्या कर सकते हैं? कोई बताए तो सही, कहीं पर भी किसी भी शहर में मुसलमानों के दीनी सियासी रहनुमा या जिम्मेदार हालात पर लम्हे फिक्र कर रहे हो? खैर छोड़ दीजिए, क्या बार बार उसी पर तस्करा करना। अच्छा है कि इससे आगे सिर्फ खबरों को ही दिखाएंगे क्योंकि तबसरा करने से वैसे भी कुछ फायदा है ही नहीं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हमने फैसला कर ही लिया है कि हम नहीं बदलेंगे, खुदा को चाहिए तो वो खुद ही बदले क्योंकि हमको दुनियादारी से फुर्सत नहीं है। अब तो दीनदारी ने भी दुनियादारी का लिवाजा ओढ़ लिया है। बात आपको बहुत मामूली लग रही हो पर धीरे धीरे इस्लामी तहजीब ईमान के मियार से तकरीबन मुसलमान नीचे आ चुका है, आते जा रहे हैं। अब तो अली मोहल्लों में सचिन वर्मा पैदा हुए हैं। अखिलेशी समाज के नौजवानों को डरा धमका रहे हैं। इन पर जिस मियार की कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हो रही, लिहाजा मुल्क का संविधान, इस मुल्क की तहजीब, इस मुल्क का भाईचारा सब दांव पर लगा हुआ है। और यह सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि भारत का हर वो फर्द जो इस मुल्क के संविधान को बचाना चाहता है उसे आवाज उठानी होगी। दलित, ईसाई, ओबीसी, पिछड़ा, सिख, जैन सभी की जिम्मेदारी है। निशाने पर यकीनन मुसलमान है पर इसका खामियाजा तो सभी को भुगतना पड़ेगा। हर रोज की खबरों को भले ही आसानी से लिया सुना देखा जा रहा हो पर इसके असरात मुल्क के माशी, सियासी, सामाजिक तौर पर दूर तक होंगे, ये भी उतना ही सच है जिसका हम सबको ख्याल करना है। अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमित निवार सुमित के संगी, कंचन वरण विराज सुबेशा, कंचन वरण विराज सुबेशा, आनंद कुंडल कुंज केसा, आनंद कुंडल कुंज केसा, मोहन चला ध्वजा विराज है, आंधे मूल जने उ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, ते
तेज प्रताप महाजग बंधन विद्यावान गुणीयत चातुर विद्यावान गुणीयत चातुर राम काज करबे को आतुर राम काज करबे को आतुर रसिया राम लखन सीता मन बसिया राम लखन सीता मन बसिया जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। जो हनुमान चालीसा का जो पाठ पढ़ाया है गैर समुदाय के लोगों ने मेरे साथ हनुमान चालीसा का जो पाठ पढ़ाया है, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, जो गैर समुदाय के लोग हैं उन्हें सनातन धर्म के लिए जागृत करने का काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं जो हनुमान चालीसा का जो पाठ पढ़ाया मैंने, सबसे पहले गैर समुदाय के लोगों को सनातन धर्म के लिए जागृत करने का काम कर रहा हूँ। इनकी जो मानसिकता है वो आतंकवादियों की मानसिकता है इनकी, इनको ये नसीहत देना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहले सनातन धर्म है और सनातन धर्म ही रहेगा। हनुमान चालीसा अगर मंदिर में ले जाके पढ़ाया है और वहां वंदे मातरम भी कहलवाया है और भी चीजें उसी तरह से कराई हैं, तो शक पैदा होता है कि कहीं उन्होंने इस्लाम की जो अकेले खुदा की इबादत करने का मुसलमान को पाबंद किया गया है उसके खिलाफ उन्होंने कोई हरकत तो नहीं कर। अब मकामी खबरों पर एक नजर। बहुत ही बड़ी खबर, वैसे तो आपने इस खबर के बारे में सुना होगा क्योंकि अब इस खबर का तस्करा मुल्की सतह पर हो रहा है, क्योंकि बेलगाम का हाल ही में जो तीसरा रेलवे गेट के ओवरब्रिज के इफ्तिताह के बाद ही ब्रिज को रिपेयर करना, ब्रिज में गड्ढे गिरना और महज इफ्तिताह के बाद एक ही दिन में इसकी मरम्मत जारी करना, अब इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर माना जा रहा है क्योंकि अब तक दुनिया में ब्रिज की ओपनिंग के बाद कहीं पर भी मरम्मत नहीं हुई है, पर यह फैज बेलगाम वालों को नसीब हुआ है। लिहाजा इस खबर को नेशनल मीडिया पर भी दिखाया जा रहा है। ये एक अहम है, वाज़ रहे तीसरा रेलवे गेट और ब्रिज की दास्तान इस तरह रही। संघ बुनियाद 6 जनवरी 2019 को रखी गई, तामीरी काम की शुरुआत 30 सितंबर 2019 को हुई, इफ्तिताह 12 अक्टूबर 2022 को भाजपा एमपी मंगलांगड़ी और तमाम भाजपा के लीडरों की मौजूदगी में इसका इफ्तिताही इजलास अमल में आया। मैं दूसरे ही दिन 13 अक्टूबर को ब्रिज को ओपन किया गया नकलो हरकत के लिए और 14 अक्टूबर को ब्रिज में गड्ढा गिरने से मरम्मत को अंजाम दिया जाने लगा। इसके लिए 2 दिन तक सवारियों की नकल हरकत को रोक भी दिया गया, बंद भी किया गया था, ट्रैफिक यहां पर रोक दिया गया था। इत्तला के मुताबिक आज शाम को वहां रबर पैच लगाकर ब्रिज को फिर से खोल दिया गया। मैसेज कृषि इंफ्राटेक को इसका ठेका दिया गया था, किस मियार के काम को अंजाम दिया गया है, मैं एक ही दिन में इस रेलवे ओवर ब्रिज को मरम्मत का मुंह देखना पड़ा। खैर, अब भाजपा के ही लीडर और नेता लोग यहाँ हैं, बेलगाम नॉर्थ या साउथ में भाजपा एमएलए एमपी तक भाजपा की है, पर जितना जल्दबाजी में इफ्तिताही इजलास को अमल में लाया गया, अब इस ब्रिज को लेकर हो रही बदनामी के चलते कोई भी मुंह दिखाने को तैयार नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कल इस जगह पर जाकर एहतजाज किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर ठेकेदार को मुबारकबाद भी दी गई क्योंकि दुनिया में इस तरह का ब्रिज कहीं पर भी नहीं बनाया। खैर, भाजपा हुकूमत को 40% की हुकूमत कही जा रही थी, आज आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने कितने फीसद कमीशन का सवाल भी ठेकेदार को किया, आइए देखते हैं कुछ मनाज़िर। ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದೇನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಥರ್ಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಮೇಲೇನು ರೈಲ್ವೆ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನನಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಇದು ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ದು ಇವನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾನಾಗೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಏನಾಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಸುದ್ದಿ ಆದರೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ. ಖರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಇವತ್ತು
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ನಚ್ಚಿಗೇಡಿ ಸಂಗತಿ. ಇವತ್ತು ಜನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿರಿ, ಅವರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಮಾಡತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಟಿನಾಗ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಹದಿಗಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ಸ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವ ರೋಡಿಗೆ 20 ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷವೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತಿ, ಈ ಥರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗೈತಿ. ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಶಾಸಕರು ಸಾಂಸದರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಏನು ಮರಾಠ ಮಂದಿರ ಕಡೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಟ್ಟಿದಂಥ 100 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳಿ ಏನು ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗಿರಕಿಲ್ಲ. ಅದರದ್ದು 125 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದರು, ನಮ್ಮದು ಈ ಇದು ಬ್ರಿಡ್ಜದ ಅವಧಿ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅವಾಗಿನ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿ 24 ತಾಸಲ್ಲಿ ನಾ ಈ ಥರ ತಗ್ಗು ಬೀಳ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಒಂದು ಗಿನೀಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿನೀಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ತಿಗೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಚಾಲೂ ಆಗಿ 24 ತಾಸಿನಾಗ ತಗ್ಗು ಬೀಳ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಗಿನೀಸ್ ಬುಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇವ್ರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಯೋ ಸಂಬಂಧ 4 ವರ್ಷ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಆಯಿತು. ಮಿಡ್ಲಿನಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬರೀ ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಹೆಲ್ಡಪ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ವರ್ಕಿಗೆ 24 ತಾಸಿನಾಗೆ ರೋಡ್ ಕೆಡ್ತೈತಿ, ಈ ಥರದ್ದು ಸೇಫ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ? ಇದೊಂದು ಏನು ರೋಡ್ ಇದೆ, ರೈಲ್ವೆ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಈಗ ಭಾಗ್ಯನಗರದೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಡಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬರೀ ತಗ್ಗು ಬಿದ್ದವು, ನಾಳೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿದ್ದು ನಾಳೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದ್ರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ರೋಡ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ರೋಡ್ ಈಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೇ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂಸ್ ಸಂಬಂಧ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೇನು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗೈತಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಲ್ಲದೆ ತಳಗಿನ ರೋಡ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಹದಿಗೆಟ್ಟಾವ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣನಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ್ ರೋಡ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಪೇವರ್ಸ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೇವರ್ಸ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾಜಪಾ ಮೇ ಅಂದ್ರೂನಿ ತೌರ್ ಪರ್ ಕುಛ್ ಠೀಕ್ ಠಾಕ್ ನಹೀ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ ಐಸಾ ಲಗ್ ರಹಾ ಹೈ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಮರ್ಕಜಿ ವಜೀರ್ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ನೇ ಭಾಜಪಾ ಕೇ ಹೀ ಬಿಜಾಪುರ್ ಕೇ ಎಂಎಲ್ಎ ಯತ್ನಾಳ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೋ ಹಮಾರಾ ಲೀಡರ್ ನಹೀ ಕಹಾ. ಅಬ್ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮೇ ಹುಯೇ ಪಂಚಮಚಾಲಿ ಇಜ್ಲಾಸ್ ಮೇ ಬಸವ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿ ನೇ ಜವಾಬ್ ದೇತೆ ಹುಯೇ ಕಹಾ ಕೇ ಬಸವರಾಜ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೋ ಹಮಾರಾ ಲೀಡರ್ ನಹೀ ಕಹನಾ ಏಕ್ ತರಹ ಸೇ ತೌಹೀನ್ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ಕಿ ಕೀಮತ್ ಭೀ ಚುಕಾನಿ ಪಡ್ ಸಕ್ತಿ ಹೈ ಐಸಾ ಇಶಾರಾ ದಿಯಾ. ವಾಜಾ ರಹೇ ಕಿ ಯತ್ನಾಳ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಯೆ ದಿನ ಪಟಾಂಗ್ ಬಯಾನಬಾಜಿ ದೇತಾ ರಹತಾ ಹೈ, ಲಿಹಾಜಾ ಮರ್ಕಜಿ ಭಾಜಪಾ ಕಾಯ್ದ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ನೇ ಹಾಲ್ ಹೀ ಮೇ ಯತ್ನಾಳ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೋ ಕಾಯ್ದ ಮಾನ್ನೆ ಸೇ ಇನ್ಕಾರ್ ಕಿಯಾ ಥಾ. अपना वोट ना बेचे और सही कायद को चुनने को लेकर बेदारी मुहिम के तौर पर नागराज नामी नौजवान बागलकोट से बेंगलोर पैदल सफर तय कर रहा है और पैगाम ये दे रहा है कि गलत लीडरों को महज कुछ रुपयों के लिए ना वोट करे और अपना कीमती वोट ना बेचे. मेरा नाम नागराज कलकुटधर है. मैं बागलकोट से हूँ और मैं जियो स्पेशल इंजीनियर हूँ. मेरा एमएससी एमटेक हुआ है, साथ में सामाजिक कार्यकर्ता हूँ. अभी मैं स्वच्छ विधानसभा कर्नाटक के लिए मैं पाद यात्रा के दौरान पाद यात्रा करते हुए कर्नाटक के जो 31 डिस्ट्रिक्ट है
उसमें पाद यात्रा करते हुए मैं जनता से विनंती कर रहा हूँ, आपका जो वोट है मतदान मता है तो उसको आप पैसे दारू सारी कोई भी रिश्वत के लिए आप उसको भेजना मत, और जाति धर्म देख के आप वोट मत डालिए। ईमानदारी से और ईमानदार और जनता के लिए जो काम करता है वैसे आदमी को चुन के आप विधानसभा को भेजना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब आजकल देखते हैं भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है तो उन लोगों को पूछना भी मुश्किल हो चुका है। जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उनके ऊपर क्या करते हैं, मारपीट करते हैं, धमकी देते हैं, नहीं तो झूठा केस डाल के जेल डालते हैं। मतलब अपना जो वाक स्वतंत्र जो है उसके ऊपर उसको दमन करते हुए हमारे ऊपर वो लोग राज कर रहे हैं। ऐसे राज हमको नहीं चाहिए, जनता को जागरूक होना है। ये जो प्रजा प्रभुत्व जो है उसका जो मेन जो है वो मता है। जो हमारे जो पूर्व जो है 1947 में जब हमको स्वतंत्र मिला तो हमारे जो 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 भी स्वतंत्र सेनानी थे वो लोग बैठ के सोचे कि अभी राज सत्ता निकालेंगे, कॉलोनियल रूल निकालेंगे, निकाल के हमको आज़ादी दिला के ये जो मतदान के दौरान मतदान के थ्रू उन लोगों ने हमारे हाथ में इस देश को सौंप दिया। अब आजकल क्या हो रहा है, पैसे के लिए दारू के लिए हम अपना वोट बेच के हम फिर इन भ्रष्टाचारियों के गुलाम बन के जी रहे हैं। आपका जो ये मकसद बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया पैगाम आपने दिया है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है जब एक MLA MP को ही खरीदा जाता है? हाँ, ये देखिए, ये जो MLA MP लोग जनता से चुन के जाते हैं, हमें सत्ता के लिए और पैसे के लालच में खुद को बेच के करोड़ों में पैसा लेके पार्टी से और दूसरा पार्टी को क्या बोलते बदल लेते हैं अपने आप को। मतलब ये लोग जो जनता उनको चुन के भेजा उनको क्या इज्जत नहीं दे रहे ये लोग, मतलब कोई मतलब नहीं है इन लोगों के। इसलिए मैं जनता से विनती करूँ, आप लोग जागरूक हो जाइए। ये हर एक आदमी, इसलिए बहुत सारे लोग पूछते हैं आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया क्या, आपका कोई पॉलिटिकल पार्टी है क्या। मैं यही बात कहता हूँ, जनता क्या कर रही है, ऐसा कोई काम है तो कोई संगठन वाले आके काम करे, कोई पार्टी वाले आके काम करे, ऐसे सोचते हैं। बात ऐसा नहीं है, हर एक देश का नागरिक जिम्मेदार होना है। इसीलिए मैं अकेले निकला हूँ, इसलिए अकेले निकला हूँ। गांधी जी ने भी बोला था कि जब एक एक आदमी जिम्मेदार बनेगा, हर एक नागरिक जिम्मेदार बनेगा, इस देश अभी क्या बोलेंगे प्रजासत्तात्मक राष्ट्र बनेगा। कभी कभी अजीब वारदातें भी पेश आती है। कोगनोली नाके के पास टेम्पो से सफर करने वाले मुकेश वर्मा और धर्मेंद्र दुरिया दोनों भी उत्तर प्रदेश से बेंगलोर की तरफ जा रहे थे। दोनों टेम्पो में सवार थे, पर अचानक कोगनोली के पास टेम्पो ने मोटरसाइकिल को ठोकर मारी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार गिर गए और जख्मी हुए। लिहाजा अब ठोकर मारने को लेकर टेम्पो में बैठे लोगों को मारेंगे इस डर से टेम्पो छोड़कर खेत खलियान में जहां भी रास्ता मिलता है भागने लगे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि लोग पीछे लगकर मारेंगे, लेकिन डर की वजह से भागते वक्त दोनों नाले में गिर गए, जिसमें मुकेश वर्मा की डूबकर मौत हो गई। मुकेश वर्मा को डूबकर मरते देख रामधुरिया ने चिल्लाना शुरू किया, जिससे गांव वाले जमा हुए। तब तक मुकेश डूबकर मर चुका था। महज डर की वजह से भाग करके कहीं लोग ना मरे सोचकर भागते हुए नाले में गिरकर खुद ही मर जाने की वारदात से अफसोस का इजहार किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह।